हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारे एल्कोहल क्या होते हैं और इनके साधारण और आईपीएसी नाम किस तरह लिखे जाएंगे। आज की वीडियो पार्ट 4 होगी। पीछे के 3 वीडियो में हम लोग बात किए थे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे पास कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड चीज़ें थी, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल, उसके बाद हेलो एल्केन कल के लेक्चर में हम लोग कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि एल्कोहल क्या होते हैं और इनके आईपीएसी नाम और साधारण नाम कैसे लिखे जाते हैं, साथ ही साथ इनको कैसे बनाए जाते हैं, इनके अणु सूत्र हम लोग कैसे लिख सकते हैं, संरचना सूत्र कैसे बना सकते हैं, और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आईपीएसी के फॉर्म में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करें हम लोग एल्कोहल की। एल्कोहल क्या होता है सर? एल्कोहल को हम लोग नॉर्मली शराब या दारू भी बोलते हैं। एल्कोहल को हम नॉर्मली शराब या दारू भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल हम क्या बोलते हैं कि सर इसका जो समान सूत्र होता है, मतलब इसकी पहचान की जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, इसका जो समान सूत्र होता है वो सर क्या होता है? सर इसका समान सूत्र R सिंगल बॉन्ड OH होता है, या सर CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH होता है। R सिंगल बॉन्ड OH या CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH होता है। कहने का मतलब है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके OH समूह को हम जोड़ देते हैं, किस समूह को जोड़ते हैं? OH समूह को जोड़ देते हैं। और यहाँ OH समूह का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है, यहाँ OH का मतलब एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड OH। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। तो जब एक हाइड्रोजन को हटा के OH समूह को जोड़ देते हैं तो जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है उस कार्बनिक यौगिक को हम क्या बोलते हैं भाई? एल्कोहल बोलते हैं। जहाँ अगर हम लोग बात करें इस सूत्र में R क्या होता है सर? R क्या होता है? या सर CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड इसके पहले लगा होता है, तभी जाके इसके साथ कोई ना कोई आके हमारे पास क्रियात्मक समूह जुड़ता है। तो सर इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो इन दोनों का मतलब क्या होता है भाई? इन दोनों का मतलब होता है सर एल्किल समूह। कौन समूह भाई? एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब क्या होता था सर? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल। मतलब जब एल्कोहल एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके हम देखते थे कि जो हमारे पास समूह आता था, प्रतिस्थापित करके देखते थे कि हमारे पास एक समूह आता था, उस समूह को हम क्या बोलते थे? एल्किल समूह। और इसके आईपीएसी नाम लिखते समय इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते थे? इसका आईपीएसी नाम लिखते समय इसके अनुलग्न में हम लोग इल लगाते थे, जैसे हमारा क्या बनता था? मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। आइए अब इससे रिलेटेड हम कुछ अणु सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? अणु सूत्र बनाते हैं किसके लिए? एल्कोहल के लिए, ठीक। क्या बनाते हैं? अणु सूत्र बनाते हैं किसके लिए भाई? एल्कोहल के लिए। आर का मतलब या यहाँ पे कार्बन, जहाँ पे आपके पास कार्बन के साथ एन है, एन के जगह पे वन रख लीजिए, तो एन के जगह पे वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर पहले हो जाएगा CH3, या इसी को बोलेंगे आर का पहला अणु सूत्र। दो रखेंगे तो क्या होगा सर? C2H5। तीन रखेंगे तो क्या होगा सर? C3H7। सर चार रखेंगे क्या होगा? C4H9। सर पाँच रखेंगे क्या होगा सर? C5H11। इसके साथ क्या करना है हम लोग को? इसके साथ क्या करना है? OH समूह को जोड़ देना है। OH समूह हमारा जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। क्या हो जाएगा भाई? एल्कोहल। जब OH समूह इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाने वाला है? एल्कोहल। क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग बात करें अब कि हमारा क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड बात करें कि इसका साधारण नाम और इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, तो हम बात करते हैं इसके साधारण नाम की कि इसका साधारण नाम किस तरह लिखा जाता है, साधारण नाम। और फिर हम बात करेंगे कि सर इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। आईयूपीएसी का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है क्या आईयूपीएसी का पूरा नाम। थोड़ी एक चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे इसी में कि जब इसका हम लोग क्या कर लिखते हैं आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो इसके अनुलग्न में इसके क्या भाई? इसके अनुलग्न में क्या लगाते हैं हम लोग? ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसके अनुलग्न में हम लोग ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। क्या लगाते हैं भाई? ऑल लगाते हैं। जब इसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो इसके अनुलग्न में हम लोग क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। आइए बात करते हैं किस तरह इसका साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। जब इसका साधारण नाम हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साधारण नाम लिखते हैं तो पहले सबसे पहले उस कार्बनिक यौगिक का नाम इसमें लिखा जाता है। देखिए इसमें दो हमारे पास कार्बनिक बोल सकते हैं, दो हमारे पास क्या आ रहे हैं? कंपाउंड आ रहे हैं, दो यौगिक आ रहे हैं।
पहले उस यौगिक का नाम लिखेंगे जिसमें हमारे पास कार्बन होता है। क्या होता है भाई? कार्बन। तो कार्बन वाले मतलब कि पहले हम किसका नाम लिखते हैं साधारण नाम में, पहले हम लिखते हैं एल्किल समूह का नाम। सर CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन एक है तो इसको मेथ बोला जाता है, और मेथ में इल लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? CH3 को सर मेथिल बोला जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा भाई? मेथिल। और OH जब भी किसी कार्बनिक यौगिक के साथ आता है तो इसको हम क्या बोल देंगे? एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? मेथिल एल्कोहल। नाम क्या होगा सर? मेथिल एल्कोहल। ठीक ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे, कार्बन दो है तो सर इसको एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एथिल। तो इसका नाम क्या होगा सर? एथिल एल्कोहल। सर तीन कार्बन है, तीन कार्बन का मतलब क्या होता है सर? प्रोपिल एल्कोहल। क्या होता है? प्रोपिल एल्कोहल। ठीक सर, कार्बन चार हैं, चार को क्या बोलते हैं सर? ब्यूटिल बोलते हैं। क्या हो जाएगा भाई नाम? ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल। सर कार्बन पाँच है, पाँच को पेंट बोलते हैं, मतलब पेंटिल हो जाएगा, तो पेंटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेंटिल एल्कोहल। तो कुछ इस तरह आप क्या कर सकते हैं? इसका साधारण नाम लिख सकते हैं। साधारण नाम लिखने के लिए क्या बताया गया आपको? कि साधारण नाम लिखते समय क्या करेंगे? पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? सबके साथ OH है तो एल्कोहल जोड़ देंगे, बस इसका साधारण नाम हो जाएगा। अब IUPAC में आपको क्या करना है? IUPAC लिखते टाइम क्या करना है आपको? जब इसका IUPAC लिखेंगे तो जितने इसमें कार्बन आएंगे उतने को क्या करना है आपको? एल्केन के साथ, मतलब एल्केन समूह के साथ लिखना है नाम। जैसे कार्बन एक है तो मेथेन हो जाएगा, कार्बन दो है तो एथेन हो जाएगा, तीन है तो प्रोपेन, चार होगा तो ब्यूटेन, पाँच है तो पेंटेन। और फिर क्या करना है? इसमें ऑल लगा देना। क्या लगा देना भाई? ऑल लगा देना। और जो आएगा वही क्या हो जाएगा? एल्कोहल का नाम। जो आएगा वही क्या होगा? इसका एल्कोहल का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एल्कोहल का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कोहल का नाम होगा। चलिए अगर हम लोग बात करें किसकी? एल्कोहल के नाम की, और कौन सी? IUPAC की। तो कार्बन एक है, और कार्बन एक का मतलब मेथेन होता है, और मेथेन में ऑल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। तो CH3 OH को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। और साधारण में क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। कार्बन दो है सर, दो को हम लोग क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। किसमें? एल्केन में। तो एल्केन में आपके पास क्या है? इसको एथेन बोलते हैं, तो एथेन में ऑल लगाएंगे सर, बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तीन को सर हम प्रोपेन बोलते हैं एल्केन में, प्रोपेन में ऑल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। चार हमारे पास ब्यूट होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। पाँच को क्या बोलेंगे हम लोग? पाँच को बोलेंगे हम लोग क्या भाई? पाँच को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? पाँच को पेंटेन बोलने वाले हैं, पेंटेन में ऑल लगाएंगे तो हो जाएगा पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा भाई? पेंटेनॉल। ठीक, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? सिंपली इसका साधारण और IUPAC नाम लिख सकते हैं। अगर हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल एक बार और से फिर से समझ लेंगे कि जब इसका साधारण नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एल्किल समूह का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? एल्किल समूह का नाम लिखना है, और उसके साथ एल्कोहल को ऐड कर देना है। किसको ऐड करना है बाबू? एल्कोहल को ऐड कर देना है। ठीक, ये सिंपल हमारे पास। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो एल्केन लिखना पहले, और एल्केन लिख के क्या करना है आपको? एल्केन लिख के उसके साथ ऑल लगा देना है। क्या लगाना है? ऑल लगाना है। ये किसके लिए था सर? ये साधारण के लिए था। जब हम साधारण नाम लिखेंगे इसका, किसका? एल्कोहल का, तो अब क्या करेंगे हम लोग? एल्किल के साथ ऑल लगा देंगे, जो भी हमारा एल्किल समूह होगा उसके साथ सर ऑल लगा देंगे। लेकिन जब हम इसका IUPAC लिखेंगे, क्या लिखेंगे? IUPAC नाम लिखेंगे, तो क्या करेंगे सर? इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? इसके साथ एल्केन के साथ ऑल लगाने वाले हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसकी इसकी संरचना सूत्र की। बाकी अब आगे आप चाहें जैसे C6H कितना आ जाए, 13 आ जाए, OH आ जाए, तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सिल एल्कोहल या हेक्सेनॉल। ठीक, ऐसे ही आपका C7H15OH आएगा, नाम क्या होगा सर? सात कार्बन है तो हेप्टिल एल्कोहल साधारण नाम हो जाएगा। IUPAC नाम क्या होगा सर? हेप्टेनॉल। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके संरचना सूत्र की। किसकी बात करते हैं? संरचना सूत्र की, कि इसकी संरचना सूत्र किस तरह लिखा जाता है। संरचना सूत्र किसका भाई? एल्कोहल का। संरचना सूत्र किसका? एल्कोहल का। जैसे पहला अकवास कार्बनिक यौगिक क्या था? CH3OH। ठीक, दूसरा क्या था सर? दूसरा आपका C2H5OH। तीसरा क्या था सर? C3H7OH। चौथा क्या था सर? C4H9OH। अगला क्या था सर? C5H11OH। मतलब ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं, तो कार्बन के साथ हमारा क्या होता है? कार्बन के साथ OH जुड़ा होता है, और कार्बन की बैलेंसी को पूर्ण कर देते हैं, बस नाम संरचना सूत्र बन जाता है। जैसे पहला हमारे पास कार्बन कितने हैं? एक, और हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? तीन।
हाइड्रोजन कितने है इसके पास, 3। और OH लगा तो ये किसका संरचना हो जाएगा, ये संरचना हो जाएगा आपका मेथेनॉल का या मेथिल अल्कोहल का। ये संरचना किसकी हो जाएगा, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल का। ऐसे ही जब आगे आप लोग संरचना बनाएंगे किसकी, एथेनॉल का या एथिल अल्कोहल का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन 2 है तो 1 2 कार्बन, और पहले वाले कार्बन के साथ देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन, पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और दूसरे वाले के साथ कितने हो जाएंगे, 2। कुछ इस तरह इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2, ठीक। और यहाँ पे OH, CH3 CH2 OH, ये भी क्या होता है, ये भी एथेनॉल होता है या एथिल अल्कोहल होता है, ठीक। पहले वाले के साथ 3 कार्बन हमारे पास, 3 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ है भाई, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लिख दिए, और यहाँ पे OH, ठीक। यहाँ पे काउंट कर लेंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है। आगे ऐसे ही अब तीसरे की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तीसरे की, तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन हम लोग लिख लेंगे, सबको सिंगल बॉन्ड दे देंगे या सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे सब में, और फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 7, 7 हाइड्रोजन है, तो सबको इसको 3, इसको 2, इसको 2 और फिर यहाँ पे 1 को OH, ठीक। काउंट कर लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, हो जाएगा इसका कंप्लीट होगा। स्ट्रक्चर हम बहुत डीपली आपको पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर में किस तरह बनाया जाता है, तो आप लोग वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, फिर सेकेंड को देखिए, फिर थर्ड को देखिए, फिर ये वाला वीडियो आकर देखिए जो फोर्थ है, ठीक। और ऐसे ही आपका 5 6 आगे ऐसे आपके पास जितने समूह हैं, एल्डिहाइड समूह, ठीक, कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन समूह, ईथर समूह, सारे समूह ऐसे ही आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो को क्या करना, आपको लाइन बाई लाइन देखना, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सर पांच वाले को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है भाई, पांच वाले को बनाएंगे तो पांच को हमारे पास हाइड्रोजन है, पांच कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सब में क्या करना, सिंगल बॉन्ड लगा देना और सबको क्या करना, हाइड्रोजन दे देना। कितना हाइड्रोजन देना है सर, जितनी इसकी वैलेंसी हो, जितनी इसकी वैलेंसी का मतलब 4 ऑलरेडी होता है, 5 6 7 8, मतलब अष्ट कंप्लीट हो जाए, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH समूह लगा है यहाँ पे, तो OH हो जाएगा, तो 5 कार्बन और 11 क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये किसका संरचना हो गया सर, ये हमारा पेंटेन का हो गया, किसका हो गया, पेंटेन का। अब आपके एग्जाम में क्या होता है कि ये आपको संरचना दे देगा और इसका IUPAC नाम पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, IUPAC नाम पूछ लेगा, या इसी को कुछ ऐसे लिख के दे देगा CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या देगा भाई, OH देगा, ठीक, इसके साथ OH करके देगा, 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास, तो ऐसे करके देगा और बोलेगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, OH लगा है तो और लगा देंगे इसके लास्ट में, और कार्बन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन में और लगाएंगे क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, पेंटेनॉल, और इसकी संरचना कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक। तो इस तरह अगर आपसे एग्जाम में इसकी संरचना पूछे या आपको संरचना दे के IUPAC पूछे, तो आप आसानी से इसका IUPAC या संरचना बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसका अणु सूत्र खुद से बना सकते हैं, और साधारण नाम से आपके एग्जाम में कोई पूछे या साधारण नाम आपको बताना हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। आशा है कि चीज़ें एकदम आपको 100% समझ में आई होगी। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और आप किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं, आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आप सभी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।